मौत के भी अजब गजब बहाने हैं। संभल में दावत खाने गए युवक को बंदर ने ऐसा धक्का मारा कि युवक की मौत हो गई। दावत खाते समय बंदर के धक्के से मौत का मामला चंदौसी थाना के गांव चित्तौरा का है, जहां प्रेम शंकर के पुत्र के नामकरण की दावत चल रही थी। सभी लोग छत पर दावत खा रहे थे। इसी बीच दावत खा रहे गाँव के युवक राम बाबू को बंदर ने धक्का मार दिया। युवक छत से नीचे आ गिरा। मेजबान और परिवार वाले आनंद फानंद युवक को एक एक कर चंदौसी दो अस्पतालों में ले गए। दोनों जगह डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम और गांव में सन्नाटा है। आपका अवधेश यादव, किस गांव में रहते हैं? चित्तौरा में। कैसे मौत हुई, क्या मामला है? ये खाना खा रहे थे, ऊपर खाना खाते पे बंदर ने धक्का लगा दिया, जी नीचे गिर गए। दावत किसकी थी? प्रेम शंकर। आपके कौन है? छोटा भाई। क्या क्या प्रोग्राम था? लड़के का वो था डस्टोन। तो इनकी जो मौत हुई है वो घटनास्थल पे हो गई, हॉस्पिटल ले जाके? ऐसा हुआ, यहाँ से टेम्पू ले गए, हम टेम्पू में डाल के ले गए थे। विश्वकर्मा पहुँचे, विश्वकर्मा वालों ने देखा ही नहीं, बोले इसमें कुछ नहीं है बस। फिर हम सिटी हॉस्पिटल लाए थे, उनने भी मना कर दी, फिर हम सीधे यहाँ ले आए। सिटी हॉस्पिटल कौन सा? सिटी तहसील रोड पे, जारी रोड पे। तो ये शादीशुदा है? शादीशुदा, दो बच्चे। दो बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। किस गाँव में रहते हैं? इसी गाँव। ये जो मौत हुई है कौन है आपके? वो मौत हुई मेरा भाई है। क्या कैसे हुआ, कैसे हुई मौत, क्या मामला है? दावत खाने गए गए थे। कहाँ? इसी गांव में। किस, क्या नाम है गांव का? गांव का नाम वो चित्तौरा। चित्तौरा। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? दावत खाने गए थे, उसमें लेंटर पर गिर गए, बंदर ने झपट मार दिया। बंदर ने झपटा मारा? हाँ। अच्छा, तो फिर इनको अस्पताल ले गए थे आप लोग? ले गए ही। हाँ, ले गए। तो कहाँ ले गए थे बताओ भाई? विश्वकर्मा। चलो, चंदौसी अस्पताल में ले गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा? जब खत्म हो गई जाते खत्म हो गए रास्ते में, खत्म। हाँ, रास्ते में। क्या नाम है इनका? राम बाबू। कितनी उम्र है इनकी? कोई होगी 30 साल की। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं।